कर्ण और अर्जुन के महायुद्ध का यह तीसरा भाग है। पहले और दूसरे भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तुरंत ही दोनों महावीर फिर से एक दूसरे को घायल करने लगे। अर्जुन के एक नाराज बाण से कर्ण का कवच छिन्न भिन्न हो गया। कर्ण ने भी अर्जुन और श्री कृष्ण को अनेक बाण मारे। कर्ण का कवच टूट जाने पर हर बाण उनके शरीर को छूने लगा और रक्त की धाराएं बहने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब कर्ण मूर्छित हो रथ में ही लड़खड़ा गए। अर्जुन ने उस समय कर्ण को मारने की इच्छा नहीं की, किंतु श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस तरह न खड़े रहो, विद्वान पुरुष इस प्रकार शत्रु दमन के समय चुपचाप खड़े नहीं रहते। शत्रुओं को मारकर बुद्धिमान पुरुष धर्म और यश का भागी होता है, इसलिए सदा तुमसे शत्रुता रखने वाले इस अद्वितीय वीर को शीघ्रतापूर्वक मार डालो। श्री कृष्ण के वचनों को आज्ञा मानकर अर्जुन ने वत्स दंत अस्त्र, बछड़े के दांतों जैसी नोक वाला अस्त्र से कर्ण पर प्रहार किया और अनेक वत्स दंत कर्ण की छाती में जा घुसे। इसी बीच काल अदृश्य रूप में प्रकट होकर मानो बोल उठा हो, अब कर्ण के वध का समय आ पहुंचा है, भूमि तुम्हारे पहिए को निगल जाना चाहती है। वत्स दंत अस्त्र से घायल कर्ण ने पुनः भार्गवास्त्र प्रकट करने का प्रयास किया, किंतु उसके मन से उसका अभिमंत्रण निकल गया और वह प्रकट नहीं हुआ। जैसे ही कर्ण का रथ जरा हिलता, बायां पहिया जमीन में धसता जाता। ब्राह्मण के शाप से जब रथ धसने लगा, परशुराम जिसे प्राप्त अस्त्र भूल गया और उसका घोर सर्पमुख बाण अर्जुन पर निष्फल हो गया, तब कर्ण अत्यंत खिन्न हो गए और इस प्रकार परमात्मा से बोले, धर्मज्ञ पुरुषों से सदैव सुना है कि धर्मपरायण पुरुष की धर्म ही रक्षा करता है। मैंने सदैव अपने धर्म का पालन किया, किंतु धर्म भी हमें मारता ही है। हे विधाता, धर्म भी किसी की रक्षा नहीं करता। इतना होने के बाद भी कर्ण ने विजय धनुष नहीं छोड़ा और श्री कृष्ण और अर्जुन पर अनेक बाण छोड़े। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ कोई उत्तम बाण छोड़ो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र उत्पन्न किया और आकाश की तरफ छोड़ा। असंख्य बाणों की वर्षा होने लगी। कर्ण के रथ की तरफ आते सभी बाणों को कर्ण ने बाण समूहों को उत्पन्न करके नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। वो एक अद्भुत दृश्य था जब ब्रह्मास्त्र भी इस प्रकार विफल होता प्रतीत हुआ। कर्ण ने अर्जुन की ओर एक उत्तम बाण छोड़ा और अर्जुन के धनुष की डोरी काट डाली। अर्जुन तुरंत प्रत्यंचा बदल लेता। एक एक करके कर्ण ने 8 डोरियां काट डाली। शायद कर्ण को लगा कि अर्जुन के धनुष में कुछ ही प्रत्यंचा हैं, पर गांडीव में 100 प्रत्यंचा लगी थी। जितनी शीघ्रता से कर्ण डोरी काट देते, अर्जुन उससे अधिक शीघ्रता से प्रत्यंचा चढ़ा देता। वह भी एक अद्भुत घटना थी। उस वक्त कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे से उत्तम प्रतीत होने लगे। जैसे ही अर्जुन ने एक भयंकर लोहमय बाण प्रकट कर उसमें रुद्रास्त्र की शक्ति का अंश अभिमंत्रित किया, राधे पुत्र कर्ण के रथ का पहिया धरती में समा गया। कर्ण ने तुरंत नीचे उतर रथ का पहिया निकालने के लिए अपना सारा दम लगा दिया। उनके बाहुबल से पहिए को जकड़े पृथ्वी का अंश 4 उंगल ऊपर आ गया, किंतु पहिए को पृथ्वी ने नहीं छोड़ा। कर्ण का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उनकी आंखों से क्रोध की जलधारा बह निकली। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और इस प्रकार बोले, हे कुंती कुमार, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो। मेरे इस बाएं पहिए को धरती में फंसा हुआ देखकर तुम कपट पूर्वक बर्ताव का परित्याग करो। हे कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं, तुम उस मार्ग पर कदाचित न चलो। तुम वीरों में धर्म युद्ध करने वाले विशिष्ट वीर के रूप में विख्यात हो। हे अर्जुन, जो केश खोलकर खड़ा हो, युद्ध से मुंह मोड़ चुका हो, शस्त्रों का त्याग कर चुका हो, प्राणों की भीख मांगता हो, जिसके बाण कवच और दूसरे आयुध नष्ट हो गए हों, ऐसे पुरुषों पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महावीर योद्धा कदाचित शस्त्रों से प्रहार नहीं करते। हे पांडुनंदन, तुम युद्ध के समस्त धर्मों को जानते हो। जब तक मैं रथ के पहिए को निकाल रहा हूँ, तब तक तुम मुझ भूमि पर खड़े हुए पर बाण न बरसाओ। मैं श्री कृष्ण और तुमसे डर कर यह बात नहीं कह रहा हूँ। यद्यपि तुम एक धर्मपरायण उच्च कुल के क्षत्रिय हो, इसलिए तुमसे ये बात कहता हूँ। बस 2 पल अपने बाण रोको कुंती नंदन। इस बात का जवाब श्री कृष्ण ने दिया, राधानंदन आज बड़े सौभाग्य और हर्ष का दिवस है कि तुम धर्म की बात कर रहे हो। प्राय यह देखने में आता है कि विपत्ति देख ही मनुष्य धर्म की शरण में जाने लगता है, बल्कि अपने किए कुकर्मों को देखकर नहीं। जब दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और तुमने वस्त्र धारण कर रही राजबहू को
भरी सभा में बलपूर्वक बुलवाया। क्या उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा जब शकुनी ने जुए का खेल ना जानने वाले पांडवों को तुम्हारे सामने ही छल से हराया? तब भी क्या तुम्हें धर्म दिखाई पड़ा था? 13 वर्ष बीत जाने पर भी जब दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य वापस नहीं किया और तुमने अपने मित्र को नहीं समझाया, तब क्या तुम्हें वो बात धर्म उपयुक्त लगी थी? जब लाक्षाग्रह में कुंती कुमारों को जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था तब भी तुम्हें सब ज्ञात था, तब क्या वो षड्यंत्र धर्म था वीरवर कर्ण? याद है उस राज्यसभा में तुमने निरपराध द्रौपदी को कौन से शब्द कहे थे? एक वैश्य का मान क्या और अपमान क्या? पांडव तो अब नष्ट हो गए, तू अब किसी दूसरे पति का वरण कर ले। ये बात कहते हुए तुम गजगामिनी द्रौपदी को किस प्रकार नेत्र फाड़ फाड़ कर देख रहे थे? तब तुम्हारा धर्म जिंदा था या मर गया था वीरवर? जब युद्ध में तुम और अन्य अनेक महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेरकर मार डाला था, तब वो बालक भी पृथ्वी पर था और तुम सब रथ पर आरूढ़ थे। तुम सब ने मिलकर किस प्रकार उसका वध किया था? क्या वो भी धर्म का कोई पाठ था महादानवीर कर्ण? अगर उन अवसरों पर धर्म नहीं था तो आज सर्वथा धर्म का पाठ अर्जुन को पढ़ाकर तालू सुखाने से क्या लाभ? अब श्री कृष्ण यहाँ एक पुरानी घटना का वर्णन करते हैं। पूर्व काल में पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने पराक्रम से पुनः अपने राज्य और यश दोनों को प्राप्त कर लिया था। उसी प्रकार लोभ शून्य पांडव जो 5 गांव पर भी संतोष कर लेते, अब संपूर्ण शत्रुओं का नाश कर अपने बाहुबल से फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। पांडवों ने सदैव धर्म को सुरक्षित रखा है, अतः धर्म ही इनकी रक्षा करेगा और धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों और सगे संबंधियों का नाश होगा। उन शब्दों को सुन कर्ण का मस्तक लज्जा से झुक गया। श्री कृष्ण के वचनों ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। कर्ण रथ के पहिए को छोड़ फिर से रथ पर जा चढ़ा और सिर्फ दिव्यास्त्रों का अंतिम प्रयोग करने लगा। कर्ण के ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से काट दिया। अर्जुन के आग्नेयास्त्र को कर्ण ने वरुणास्त्र से काट दिया। फिर से मेघों का अंधकार छा गया। अर्जुन ने वायव्यास्त्र से मेघों को उड़ा दिया। तब कर्ण ने फिर चमत्कार किया और एक भयंकर बाण हाथ में लिया। बाण के प्रकट होते ही प्रचंड वायु चलने लगी, सब ओर धूल छा गई। ये वायव्य अस्त्र का एक परिष्कृत रूप था जिसमें वज्र जैसा तेज था, जो अतिशीघ्र गति से अर्जुन के वक्ष स्थल में जा घुसा। उस समय अर्जुन का हाथ गांडीव से ढीला पड़ गया था। मौका पाकर कर्ण फिर से रथ का पहिया निकालने नीचे उतरे। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण इससे पहले कि रथ पर चढ़े और अपना विजय धनुष उठाए, तुम उसका मस्तक शीघ्र ही काट डालो। सर्वप्रथम तो अर्जुन ने शूरप्र बाण से कर्ण के ध्वज को काट डाला। ऐसा लगा मानो कौरवों के यश और अभिमान का अंत हो गया। तब अर्जुन ने अपने तर्कश से एक अंजलिक बाण निकाला। उस विशाल बाण की गति को रोकना अत्यंत दुर्गम था। अर्जुन ने उसे गांडीव पर रखकर अभिमंत्रित किया और कहा, अगर मैंने तप किया हो, गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट किया हो, अपने हितैषी मित्रों की बात ध्यान पूर्वक सुनी हो, तो यह बाण मेरे शक्तिशाली शत्रु का नाश कर डाले। इतना कहकर अर्जुन ने अंजलिक अस्त्र कर्ण के मस्तक की तरफ छोड़ दिया। जिस प्रकार इंद्र ने अपने वज्र से वृकासुर का मस्तक काट लिया था, उसी प्रकार अर्जुन के इस बाण ने कर्ण का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। कर्ण का मस्तक भूमि पर जा गिरा और एक क्षण के बाद उनका शरीर भी धराशायी हो गया। एक महान योद्धा का आखिर अंत हो गया। कर्ण का जीवन महाभारत का एक अद्भुत भाग है। आपको अर्जुन और कर्ण का जीवन क्या सिखाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।